बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी पहल की है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो कोरोना से लड़ने के लिए नेता प्रतिपक्ष के नाते आवंटित आवास का आइसोलेशन, जांच केंद्र या क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने की सैलरी देने का भी ऐलान किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में सभी सामर्थ्यवान लोग जिम्मेदारी से अपना अपना कर्तव्य निभाएं, उनकी जीवन सुरक्षा का जिम्मा लें, जितना बन सके उतना करें, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी ना करें। तेजस्वी यादव ने अपनी अपील में कहा कि कोरोना वायरस से लड़ेंगे, मिलकर उसे हराएंगे, बिहार को सुरक्षित बनाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर बिहार तक पहुंच चुका है। रविवार को बिहार में कोरोना से पहली मौत हो गई है। न्यूज़ डेस्क।